एंड द वन ऑफ दो मोड्स इज एक्सचेंज हम थ्रू एक्सचेंज भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं सो आपको आज इस सेशन में अच्छे से नॉलेज मिलेगी कि एक्सचेंज क्या होता है एक्सचेंज के दायरे में क्या क्या प्रोपर्टीज आती हैं और हम किस ट्रांजेक्शन को कह सकते हैं कि ये एक्सचेंज है और किस ट्रांजेक्शन को ये कह सकते हैं ये एक्सचेंज नहीं है सो लेट्स स्टार्ट आर टॉपिक सबसे पहले देखिए एक्सचेंज में क्या बात की जाती है सिंपल वर्ड में वेन वन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर द अनदर एक आपकी प्रॉपर्टी होती है और आप उस प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी के साथ एक्सचेंज करते हो राइट right? ये होता है हमारा एक्सचेंज एक्सचेंज मींस चेंजिंग विद वन अनदर राइट सो दैट इज चेंजिंग विद वन अनदर अब इसमें क्या है आपका जो सेक्शन 118 डिफाइन करता है वो क्या कहता है व्हेन टू पर्सन मींस आपको दो पार्टीज की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी व्हेन टू पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ वन थिंग विद द ओनरशिप ऑफ द अनदर मीन सपोज कीजिए बी इसका ओनर था और ए इस प्रॉपर्टी का ओनर था अब बी ए की प्रॉपर्टी का ओनर बन जाएगा और ए बी की प्रॉपर्टी का ओनर बन जाएगा तो देयर इज ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम बोथ द साइड्स राइट एंड यहां पर एक चीज देखने की है, बात है बच्चे यहां पर एक्सचेंज में या तो दोनों ही प्रॉपर्टीज होंगी दोनों ही साइड या फिर दोनों ही साइड मनी होगी राइट ये नहीं हो सकता कि ए अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है और बी उसके नाम से पैसे दे रहा है अगर ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगा सेल राइट right? अगर ए प्रॉपर्टी दे रहा है और बी रिटर्न में कुछ ही नहीं दे रहा तो क्या हो जाएगा गिफ्ट राइट सो एक्सचेंज इन दोनों से डिफर कैसे करता है देर इज इधर द एक्सचेंज ऑफ बोथ द प्रॉपर्टीज और देर इज एक्सचेंज ऑफ बोथ फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ मनी राइट सो बेसिकली आपको एक्सचेंज इस तरीके से समझ आना चाहिए कि देयर मस्ट बी टू पर्सन ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ वन थिंग विद द ओनरशिप ऑफ द अनदर एंड नीदर दोनों ही साइड या तो थिंग होगी मींस कोई प्रॉपर्टी होगी या बोथ द थिंग्स बीइंग मनी ओनली या फिर मनी होगी ऑल राइट बच्चे देन एज यू नो यू ऑल आर अवेयर दैट ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी जो कि मैंने बताया अगर आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर विद कंसिडरेशन करते हैं तो वो क्या कहलाई जाता है सेल एंड जब आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर विदाउट कंसीडरेशन करते हैं तो वो क्या कहलाया जाता है गिफ्ट ऑल right, तो अगर आपको एक बच्चे ध्यान में एक चीज रखना एग्जाम में आपका क्वेश्चन डायरेक्टली एक्सचेंज से पूछा नहीं जाता है ऐसे नहीं आता है डिफाइन व्हाट इज एक्सचेंज और एक्सचेंज इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन एक्सप्लेन इट फुली नो आपको एग्जाम में आता है केस स्टडी ठीक है मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कैसा क्वेश्चन आता है कैसा नहीं एग्जाम में आएगा इससे रिलेटेड केस स्टडी और केस स्टडी की फॉर्म से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये सेल है एक्सचेंज है या गिफ्ट है और उसको फिर डिफाइन कीजिए और राइट सो बी अवेयर हर चीज ध्यान से देखने की एक्सचेंज में क्या हो रहा है राइट नाउ वेन द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्सचेंज विद अनदर प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड एक्सचेंज देयर मे बी बोथ अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा एक्सचेंज में जो प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज की बात की जाएगी तो या तो दोनों इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है दोनों के पास ही ओके ओके या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी होगी भी हो सकती है मूवेबल भी हो सकती है और जरूरी नहीं है कि दोनों ही साइड इमूवेबल हो ए के पास इमूवेबल हो और बी के पास मूवेबल हो ऐसा भी हो सकता है सो देयर मे बी बोथ इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी विच कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू एक्सचेंज इन केसेस अगर के साथ आप transfer कर रहे हैं, as I said you, कि यहाँ पर प्रॉपर्टी है लेकिन यहाँ पर मनी है तो वो क्या हो जाएगी सेल बट एक केस समझिएगा सपोज कीजिए ये प्रॉपर्टी ए की है ये बी की है बट ए की प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है और बी की प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है तो ए तो देखिए सेटिस्फाई नहीं होगा बी के साथ भी तू तो मेरे को कम दे रहा है मैं अपना तेरे को ज्यादा ज्यादा प्रॉपर्टी दे दे रहा हूं, वैल्यू मेरी है तो बी सपोज कीजिए प्रॉपर्टी के साथ अगर कुछ मनी भी दे देता है तो क्या ये एक्सचेंज में आएगा कि सेल में आएगा क्योंकि यहाँ पे अब मनी आ गई इन रिटर्न कंसिडरेशन आ गई तो भी ये केस एक्सचेंज का ही रहेगा क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम रही इसलिए आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए अनदर पार्टी को मनी दे रहे हो ओके सो वेन प्रॉपर्टी के साथ आप कुछ मनी देते हो अगेंस्ट योर ओनरशिप देन इट विल ऑल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ एक्सचेंज ओके अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ ताकि आपको एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए सपोज कीजिए बच्चे ये ए है ओके okay? और ये बी है बी के पास एक अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है एक घर है सपोज कीजिए कहां पर है इन बनारस लगा लीजिए बनारस में उसके पास एक घर है और इसकी वैल्यू क्या है ट्वेंटी लाख रुपीज ये इस घर को एक्सचेंज कर रहा है किसके साथ एक्सचेंज कर रहा है बी के साथ और बी की क्या एक प्रॉपर्टी है सपोज कीजिए उसके पास भी रेजिडेंशियल मकान है और वो एक्सचेंज कर रहा है ए के साथ और ये है लखनऊ में बट इसकी वैल्यू है सेवेंटीन लाख तो अब क्या होगा नाउ इन दिस केस मिस्टर बी जो है ट्रांसफरिंग दिस ऑनरशिप ही इज ऑल्सो रिमेनिंग है थ्री लैख जो है वो कैश दे रहे हैं किसको ए को ताकि वो ऑनरशिप सेटिस्फाई हो जाए सो so नाओ अब बताइए ये केस सेल में जाएगा कि एक्सचेंज में आई टोल्ड यू दिस इज एक्सचेंज वाई बिकॉज प्रॉपर्टी के साथ कैश है ओनली कंसिडरेशन नहीं है राइट right? अब आ जाती है बात अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए क्या ओरल एक्सचेंज परमिसिबल है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप में क्या सॉरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या ओरल ट्रांसफर होता है योर आंसर विल बी नो ओके नो ओरल ट्रांसफर राइट सो सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो हम पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बोला गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 49 क्या बात करता है दैट इट मेड क्लियर डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अगर आपने वो रजिस्टर नहीं करवाए हैं तो वो ट्रांसफर इनवैलिड माना जाता है नॉट एडमिसिबल माना जाता है एंड एज एन एविडेंस आपको ओरल ट्रांसफर नहीं करवाना है उसको रिटर्न ट्रांसफर ही करवाना है राइट नाउ ट्रांजेक्शन बाय एक्सचेंज विद विच रिक्वायर्स टू बी अफेक्टेड थ्रू रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट तो आपको उसको रजिस्टर करवाना ही है रजिस्ट्री के लिए आई टेल यू व्हाट आर द कंडीशन तो अब आपसे कोई भी इससे रिलेटेड फीचर्स पूछेगा एक्सचेंज से रिलेटेड फीचर्स तो अब आपको फुली अवेयर है क्या क्या है देयर मस्ट बी सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑनरशिप इसमें ट्रांसफर होती है देन प्रॉपर्टी नीड नॉट टू बी इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है

और अगर इमूवेबल है तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू लेस देन रुपीज हंड्रेड है देन नो रजिस्ट्रेशन कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं है बट इफ ग्रेटर देन हंड्रेड है देन रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन डीड इज मस्ट सेम लाइक जैसे हम सेल में करते हैं वही कंसेप्ट यहाँ रहेगा ऑल राइट सो नाउ आई थिंक यू आर वेल एक्वेंटेड विद दिस कंसेप्ट वॉट इट इज एग्जैक्टली नाउ एक्सचेंज में बचे अब सपोज कीजिए आपकी केस स्टडीज आई होती हैं मैं अब आपको एक केस स्टडी करवाती हूँ जो लास्ट सेशन में एक एग्जाम में आई है एंड आई होप आप उसको अच्छे से समझेंगे सपोज कीजिए ए है यही एक कंसेप्ट ले लीजिए ए ने अपना हाउस ट्रांसफर कर दिया है किसको बी को ऑल राइट right, अब ए ने जब अपना हाउस ट्रांसफर किया बी को तो बी ने रिटर्न में उसको अपनी एक शॉप यहां पर हाउस हुआ है और बी ने अपनी दी है शॉप दुकान दे दी है ट्रांसफर करने के बदले में राइट प्लस उसने टू लाख रुपीस भी दिए हैं तो बताइए आपको क्वेश्चन आया है ये सेल है या एक्सचेंज है तो आपने आंसर देना ये इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि जब भी दो लोग एक्सचेंज करते हैं और अगर उनके बीच का कोई डिफरेंस अमाउंट वो मनी में या मॉनेटरी टर्म्स में पे करें विल बी एक्सचेंज ओके तो अगर प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी ही चेंज चेंज हो तो एक्सचेंज है पर यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है मनी का कोई रोल नहीं होता है ऑल राइट right. अब मान लीजिए कि शॉप के साथ वो कैश नहीं दे रहा है प्लस एक उसके पास प्लॉट है खाली वो उस प्लॉट को भी चेंज करवाना चाहता है तो प्रॉपर्टी के बदले में प्रॉपर्टी तो है ही बट अगर डिफरेंशियल अमाउंट में भी वो एक प्रॉपर्टी देता है तो ये भी एक्सचेंज में आएगा सो so, एक्सचेंज में दो पार्टीज होती हैं राइट इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल कुछ भी हो सकता है बोथ द पार्टीज जो होती है ट्रांसफरर भी होती है ट्रांसफ्री भी होती है लेना भी होता है और देना भी होता है राइट एंड मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं होती है मनी का रोल नहीं होता है अगर डिफरेंस अमाउंट में आ जाए तो ही आप उसको देते हो अदरवाइज प्रॉपर्टीज ही एक्सचेंज होती हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल सेक्शन 18 एंड रेस्ट सेक्शंस जो एक्सचेंज से रिलेटेड है उनको आप रीड कीजिए कि इसमें क्या ड्यूटीज होती हैं क्या इम्पैक्ट होता है बट मैंने आपको विद कंक्लूजन फुली विद केस स्टडीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है एंड अब आप इस कंसेप्ट को लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे ओके सो विद दिस सेवे गुड डे थैंक यू